गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। रोज की तरह बहुत तड़कती भड़कती धूप आ चुकी है भाई। हमारे घर के सामने वाली रोड भी बन चुकी है और ये हमारे घर के सामने वाली रोड के सारे गड्ढे भर गए हैं। सो ये मशीन लाए हुए, तो शुगर टेस्ट करने की मशीन लाए हुए बहुत महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक हमने टेस्ट नहीं किया क्योंकि हम आलकस भी कर रहे थे और ऊपर से सोच रहे थे कोई बता ही दे तो तुसार आया हुआ है, ये बताएगा कैसे होगा। ये हमने तो दो ले ली, ये मैंने निकाल ली थी, यहीं रख दी। हम गए वहाँ गाँव में, मम्मी से लेगी उठा के मशीन को, यो भूल गई। डॉक्टर ने खोल ली, नो ये तो है ही ना, फिर खरीदी 500 रुपये में एक और। मैंने कहा ये तो आ गई थी इसके साथ फ्री आवे। टीवी में देखते हैं अपना व्लॉग जो आईफोन 14 प्रो से शूट हुआ है, कैसी क्वालिटी आ रही है। वैसे तो सब तारीफ कर रहे हैं। वैसे टेस्ट स्ट्रिप निकली है जो कि तुसार ने इसमें लगा दी है। मशीन ऑन नहीं हो रही, क्यों ऐसा क्यों हो गया? सेल भी लगा दिया था, उल्टा तो नहीं लग रहा? उल्टा लग रहा, सेल शायद उल्टा लग रहा था। अब ऑन हो गई है, उसको आप ही कर दो। कैसा करना है? ये बटन दबा दो बस, लगा के ऐसे यहाँ पे। हाँ, ये दबाना ना। हाँ, हो जाएगा। इसी पे ना, इधर 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 नहीं, इधर थोड़ा इधर है, इधर है। चलो मैं भी तो कह रही, चलो दबा के पूरे दबा लियो, मतलब इसे ना, इसमें दबाओ। हो गया? अरे वाह, अरे वाह, पता चला दर्द हुआ? ना ना, कुछ भी पता नहीं चलता। बस हो गया। शुगर नप रही है भाई पहली बार। ये रुई पे लगा लो, 132 आ रही है। हाँ, सही है। बिना खाए का ये मतलब, तो मैं बताऊँ, तुम ना होम्योपैथिक की दवाई भी ले रही हो ना, वही वाली, वो ठीक कर रही है। और दूसरी बात ना, हम आटा भी खा रहे हैं, वो मेरठ वाला, वो मिक्स आटा खा रहे हैं, उससे फर्क पड़ा है बहुत। पापा की भी इतनी आ रही है, 120-125 ठीक चल रही है। हाँ, चीनी भी नहीं खा रही आप, है ना? थोड़ा बस यही ध्यान रख रहे हैं भाई अभी तो। मैं अभी तुम्हें दर्द हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल भी। चलो मेरा भी कर दो, यही काम कर जाएगी। ये भी दूसरी लगानी पड़ेगी ना, मतलब ये तो बस एक ही बार होती है ना, खराब होगी अभी। डिस्पोजेबल लेंसेंट बोलते हैं इसको, लेंसेंट बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्ट्राइप। पता भी नहीं चला, इसको तो रोज कर दो यार, स्ट्राइप निकालने रखी। निकल गया फोन? हाँ निकल गया, जरा सही चाहिए। ये दिक्कत है अभी, नए नए है ना, इस टाइप निकाल नहीं रखी, खून निकाल दिया। अब मैं इसको बीच के खड़ा हूँ। अरे यार, वैसे पता नहीं चला। चलो, ये डर रहा था इसलिए नहीं कर रहा था उस दिन। 102 मतलब कम है, ठीक है, नॉर्मल है तुम्हारा, नॉर्मल है। तो गाइस अब देख रहे हैं अपनी अमनगढ़ टाइगर सफारी जो कि आईफोन 14 प्रो से शूट की है। इन पर्पस यही है कि इन्वेस्ट किया 1,00,000 रुपए इस फोन में तो कुछ फायदा होना चाहिए भाई। वैसे सब तारीफ कर रहे हैं, देख लो कितना क्लियर आ गया, जूम किया मैंने बैठे बैठे, ठीक आ रहा है, फट नहीं रहा है ना, अच्छी लग रही है। तो भाई 12:30 बज रहे हैं और भाई इतनी खतरनाक धूप मैंने तो इस सीजन में पहली बार देखी है। ये देखो ना क्या धूप है। पर हाँ, देहरादून में एक चीज़ की तो है, मैं धूप में खड़ा हो सकता हूँ, चल सकता हूँ, मतलब इतना बेचैनी नहीं है। हवा ठीक है, नॉर्मल, ना गर्म हवा है ना ठंडी हवा है, इसको भी छू सकते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि गर्म गर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर है, पर धूप बहुत तेज़ है। कहाँ गया सूरज? तो ये धूप भाई दिल्ली NCR वालों को तो परेशान करने वाली है। ऑफकोर्स कह रही, यहाँ पर तो शांति है, सामने पहाड़ है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, व्लॉग चल रहे हैं लगातार। और भाई पुराने वाले मोबाइल में, आईफोन 11 में, आईफोन 14 में तो खैर अंतर ही। और ये देखो केले कैसे हो गए हमारे घर में रखे, ये सबसे बेस्ट केले होते हैं पता है, हल्का सा रंग वो हो गया, खाने लायक है मतलब ये केले। तो दोपहर में आज बनेंगे पुलाव, ये चावल भी रखे हैं भाई। खाना खाए हुए 1 घंटा हो गया, दोबारा से नापते हैं कितनी शुगर आ रही है। खाने के बाद मेरा एक शुगर आया 174। हाँ 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 हाँ, चलो लग गया, चलो लगाओ लगाओ इसमें लगाओ। अरे कैसे लगा रही हो? अरे तेरी, ओहो ओहो, कैसे लगा रही है? वैसे तो लगना होगा, लग नहीं रहा ऐसे, पूरे उल्टी नीचे से लगाती, ऐसे नहीं लगने का, ऊपर लगा रही हो, ले लगा ले, वो नीचे लगना है, चल लगा दे तू सारा। अच्छा, मैं तो ऊपर लगा, ऊपर लगा रही है हाथ टेढ़ा करके बस। तो यार मेरी आई है 170 कुछ आई है खाना खाने के बाद। इनकी कितनी है? 227 ज्यादा है या ठीक है? तो गाइस ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और मैं अभी छत पे आया था, यहाँ से थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ। आईफोन 14 प्रो का भाई क्या गजब का वीडियोग्राफी है इसकी। और इस तरफ देखो बादल कैसे हो रहे हैं, हल्के हल्के से बादल आ रहे हैं। और इधर मसूरी भी ना, मसूरी की देखो। चलो ठीक है, शाम हो रही है, अभी थोड़ा मार्केट जा रहे हैं। पहले प्रेरणा स्टोर जाएंगे, ग्रोसरी स्टोर, फिर जाएंगे बर्गर किंग का बर्गर खाने, वो पैसिफिक मॉल। चलो थोड़ा सा देहरादून घूमते हैं शाम के समय। इसको मुझे सिनेमैटिक शॉट में रिकॉर्ड करना था, मैं क्यों भूल जाता हूँ, अब करता हूँ। ये वाला देखो,
ये देखो ये सिनेमेटिक मोड है, तो इसमें कुछ अंतर, ये सिनेमेटिक है और अभी जो दोबारा से दिखाऊंगा वो देखना उसमें कुछ अंतर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप बताना मुझे किसमें रिकॉर्ड करना है, सिनेमेटिक में या विदाउट सिनेमेटिक में। ये वाला विदाउट सिनेमेटिक है देखो, और अभी दोबारा से सिनेमेटिक दिखाता हूँ। ये देखो ये विदाउट सिनेमेटिक है और ये वाला सिनेमेटिक है। ये अच्छा लग रहा है ना, DSLR इफेक्ट आ रहा है ना पूरा। ये देखो पीछे तुषार बैठा है, ये भी नहीं दिख पा रहा, इसकी भी शक्ल नहीं दिख पा रही। इधर मम्मी बैठी है, इनकी भी शक्ल नहीं दिख पा रही, क्योंकि ये iPhone 14 Pro का बहुत बढ़िया फीचर है सिनेमेटिक मोड। यहाँ पे तो होली के रंग वगैरह सब सारे इक्विपमेंट मिलने चालू हो गए। बताओ भाई क्या क्या मिल रहा है। ये भी मिल रहा है गुब्बारे भी, गुलाल। देखो भाई मैं इस स्टोर में आया था, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी कुछ ज्ञान की बातें हो जाएँ। जैसे मैं कुकर देख रहा था ना, ये नॉर्मल कुकर है बजाज का, देखने में लग रहा है कि ये प्योर स्टेनलेस स्टील नहीं है, यानी कि फूड ग्रेडेबल 304 ग्रेड नहीं है और इस पर लिखा भी नहीं है कहीं भी। तो भाई इस तरह के स्टील ना 202 ग्रेड होते हैं, और अगर आप इसमें खाना बनाते हैं तो ये ना थोड़े थोड़े मतलब कि घुलते हैं खाने में, और जो कि ब्लड के लिए हानिकारक, स्किन के लिए हानिकारक और आपकी हेल्थ के लिए इवन कैंसरस होते हैं इस तरह के कुकर। अब ये वाला कुकर देखो 2400 रुपये इसने लिखा हुआ है। अब तुम प्योर स्टेनलेस स्टील लोगे ना 304 ग्रेड, जो कि साइंटिस्टों ने दिए हैं ग्रेड की 202 304, उसको फूड ग्रेडेबल बोलते हैं। ये नॉन फूड ग्रेडेबल है, साइंटिस्टों ने बोला इसमें खाना नहीं बना सकते। और एलुमिनियम तो भाई भूल ही जाओ, एलुमिनियम तो कभी यूज़ ही मत करना। एलुमिनियम का प्राइस देख लेता हूँ कितना है, 2000 इसका है, बिल्कुल थर्ड क्लास। तो भाई ये आपको हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। तो मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे 304 ग्रेड, हो सकता है ये 304 हो, ये थोड़ा सा भारी लग रहा है देखने में भी लग रहा है। हाँ ये विनोद का है, विनोद का है ये, इसमें लिखा भी है। ये देखो इस पर लिखा भी है 18x8, यानी कि निकोल और क्रोमियम की जो इसमें रेशियो है 18x8 और 18% और 8%, इसका भी मतलब 304 ही होता है। ये वाला भगोना है, ये वाला कुकर इनसे शायद हो सकता है थोड़ा छोटा हो, लेकिन 2260 का है। ये है भाई प्योर फूड ग्रेडेबल, तो इस तरह का लो हमेशा, ये देख लो 18x8 हो या फिर 304 लिख रहा हो। देखो ये वाला भगोना है, ये वाला भी नॉर्मल है, 202 ग्रेड होता है, नॉन फूड ग्रेडेबल। अभी 450 का है, अगर यही फूड ग्रेडेबल होगा 304 ग्रेड होगा तो ये पड़ेगा आपको 2500 का। तो मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे कहीं मिल जाए तो, पर है नहीं यहाँ पे अभी। हाँ भाई विनोद के आते हैं, ये विनोद का है, ये देखते हैं ये होगा, ये महंगी भी है ना। हाँ देखो ये विनोद का है, नहीं विनोद का नहीं है, ये PNB का है, वैसे ये महंगा है। ये विनोद का, ये विनोद का ही है। देखो विनोद की कढ़ाई है, ये भी 18x8 है, देखो इस पर लिखा हुआ है यहाँ पे 18x8 और ये 2000 की। ये देखो नन्नी सी कढ़ाई है, बिल्कुल छोटी सी, ये भी 2000 की है। तो ये 2000 की सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें आप खाना बनाएंगे तो आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, फूड ग्रेडेबल होती है ये। अब तो भाई मिल्टन ने अपनी जो इस पानी गर्म और ठंडा रखने वाली जो थर्मस काइंड है ना, ये भी 304 में निकाल दिए, इस पर लिखा हुआ है 304 SS। हाँ ये रहा, देखो इस पर लिखा हुआ है SS 304, और यही बोतल 1233 की है, सिर्फ ये बोतल 1233, 1250 सोचो, अगर 304 नहीं होगी तो यही बोतल शायद आपको मिल जाएगी 400-500 रुपये में। क्यों है इतनी महंगी ये, तक क्योंकि ये जीवन रक्षक है, ये आपको हॉस्पिटल पहुंचने से बचाती है। ये 304 नहीं है, सेम स्पेस है, ये 900 रुपये की है, और ये जितनी भी फैंसी बोतल है ना सब बेकार हैं, कोई 304 नहीं है। इसमें गर्म पानी रखोगे, गर्म कुछ भी रखोगे बेकार। तो ये ग्रेसरो स्टोर है अपने इधर, कुछ मैं भी देखता हूँ अपने लिए खाने के लिए। भाई ये कैंसर कॉजिंग ब्रांड ना, ये फ़ौरन में बहन है यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे ये वाला ना, आप गूगल कर सकते हो कि टॉप कैंसर कॉजिंग ब्रांड बैन, शैम्पू ब्रांड बैन इन अमेरिका, मिल जाएगा आपको। डव भी बैन हो गया विदेश में, अमेरिका में डव भी बैन है। वैसे तो हम दाल गांव से ही लाते हैं, पर कभी कभी मजबूरी में लेनी पड़ जाती है, अच्छी नहीं लगती है वैसे। चने की गांव में नहीं मिलती ना, गांव से तो उड़द की मिलती है वैसे ना। ये मत लिया करो, ये अच्छी नहीं लगती मुझे तो बिल्कुल भी। आपको एक टिप दूँ, कभी भी कुछ भी हो ना, पाउडर मत खरीदो, उसका ना रॉ फॉर्म खरीदो, क्योंकि आप पाउडर को साफ़ नहीं कर सकते, पाउडर को धो नहीं सकते, लेकिन रॉ फॉर्म को आप धो सकते हो, साफ़ कर सकते हो, फिर उसका घर पर पाउडर बनाओ। पूरा कट्टा भर के भाई सामान आ गया, आराम से रखना। चलो अब चलते हैं पैसिफिक मॉल, खाते हैं बर्गर किंग का बर्गर। पहुंच गए हैं मॉल में, जो कि देहरादून का नंबर वन और फेमस मॉल है। पहली बार मैं अपने फ़ोन को, iPhone 14 Pro को भाई मॉल में लाया हूं। मैं इस फ़ोन को ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे खुश हो रहा हूं जैसे कोई अपने नई कार को, नई बाइक को घुमाता है ना, कि पहली बार मैं इसको यहाँ ले कर आया हूं। ऐसे ही मैं अपने फ़ोन को पहली बार यहाँ ले कर आया हूं। नाइट कंडीशन देख लो, वाइड एंगल में, और आज पहली बार मैंने इतना खाली देखा किसी मॉल को, पहली बार बिल्कुल खाली पड़ा है भाई। पहुंच गए हैं बर्गर किंग भाई, टैको बेल भी खुल गया सामने, वाव मुंबई भी खुल गया यहाँ पे।
चलो भाई गोला सिजलर में चलते हैं, पहली बार देखते हैं क्या प्राइस है इनका। इस किट्टी के लिए 15% डिस्काउंट स्टार्टिंग 699 से। इधर ही बैठ जाओ, इधर ठीक है। फाइनली पैसिफिक मॉल में सबसे टॉप फ्लोर पे है ये गोला सिजलर, नया खुला है। तो इससे हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं। तो भाई बर्गर भी पनीर वाला खाया, पनीर रॉयल, और यहाँ पे पनीर टिक्का खा रहे हैं, और इसके बाद पनीर लबाबदार। तीनों डिश पनीर की। मुझे आज मृदुल याद आ, वो क्या नाम है, मुझे आज रुद्र याद आ गया। रुद्र का फेवरेट है भाई। रुद्र कहाँ है तू, आ जा देख। पनीर पनीर कौन से वाला खाएगा, अगली बार देहरादून आएगा अगर मुझे ये अच्छा लगा ना, मैं फीडबैक दूंगा। और भाई फिर यहाँ पे आएंगे इस वाले रेस्टोरेंट में। भाई ठीक है, लेकिन जो मेरठ में ना, जब मैंने अपने बर्थडे पे येलो चिली में खाया था पनीर टिक्का, वो सुपर्ब था, मुझे याद है आज तक, मैं भूल नहीं पाया हूँ, उससे ऊपर उनका नहीं है। और यहाँ पर आ गया पनीर लपेटा नूर महल। अब ये देखना ये रोसेट रिसिक्स को फेल करेगा, वैसे तो नहीं करेगा। ठीक है भाई, के लिए बर्गर पैक करा लिया है, अब चलते हैं सीधा। कोई थैला ही नहीं दिया इन्होंने पकड़ने के लिए, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा बैग में। हाँ भाई, इवनिंग वॉक के लिए एक बोतल देख रहा था 2 लीटर की, तो एक तो लाल कलर है, एक ये है, एक ये है। ये वाला कलर अच्छा लग रहा है ना, ये ले लेता हूँ, है ना। आज देखना पूरी राजपुर रोड भी कैसे खाली पड़ी है। और भाई 19-20 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है रात को भी यहाँ पे, जो 12-12 रहा करता था। एक्चुअली मार्च भी चल रहा है ना भाई, सबको डंडा आ रखा है, जितने भी ऑफिस मतलब हर डिपार्टमेंट में टारगेट्स हैं। सो गाइस, मैं तो एडिटिंग कर रहा था, रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 24, मतलब 12 बजने वाले हैं। और पहली बार 2 मार्च को मैं अपनी रजई को कर रहा हूँ रिटायर, अब नेक्स्ट सर्दियों में आएगी। और कंबल उठाते हैं भाई, क्योंकि कल रात को भी मैं इतना परेशान हो गया, कभी एक टांग बाहर, कभी 2 टांग बाहर। इसको तो हटा ही दो, बारिश बुरिश होएगी तब पड़ सकती है एक आध बार, और वैसे पड़ेगी नहीं। बस चलो एडिटिंग करते हैं भाई, कंटिन्यू।